वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। तो भाई साहब बेसिकली अभी मैं जा रहा हूँ घर, पहले आ गया था थोड़ी पहले और एक साइकिल यानी कि साइकिल लेकी होगी अभी वो ले जानी है घर, और बैग मेरा बस में रख दिया है, मतलब जो बस है उसमें रख दिया। और थोड़ी देर बाद मैं ब्लॉग बना रहा हूँ क्योंकि जल्दी जल्दी में वो उस समय बना नहीं पा रहा था। तो अभी अभी क्या है कि बस पे हूँ नादरा बस स्टैंड पे, यहाँ से डायरेक्ट बस जाती है मेलुआ चौराहे के लिए। तो मैं आपको नादरा बस स्टैंड आज दिखाई देता हूँ पूरा, और काफ़ी भीड़ पड़ी है यहाँ पे, ये देखिए कितनी भीड़ है यहाँ, कितनी भीड़ है। सो गाइस अभी क्या है कि दीपावली आ रही है तो मुझे जाना है घर, यानी कि घर जा रहा हूँ। सो मैं अकेला नहीं आया था, मैं आया था साइकिल से, और इतने दूर यानी कि करीब 10 किलोमीटर दूर से आया था, तो काफ़ी थक गया हूँ फिलहाल। तो मैंने वो पार्ट स्किप कर दिया साइकिल वाला, क्योंकि साइकिल पे अपन रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते। अभी साइकिल को बस पे चढ़ाना है, यानी बस के ऊपर रखना है और बस में बैठना है। अभी तो बस 1 बजे जाएगी और अभी 12 बज गए, 1 घंटा और है अभी बस को छूटने में। ये वाली बस जा रही है इसीलिए अभी मैं आपको नादरा बस स्टैंड दिखा दूँ, जहाँ से आप मध्य प्रदेश के किसी भी कोने में जा सकते हैं बस के थ्रू। जी हाँ दोस्तों, ये भोपाल का दूसरा सबसे बड़ा बस स्टॉप है ISBT बस स्टॉप के बाद, वो अंतर्राज्यीय, ये भी अंतर्राज्यीय। और जितने की यहाँ पे बसें ही बसें आपको मिलेगी, बहुत बड़ा बस स्टॉप है, कितनी सारी बसें हैं यानी कि हर 5-10 मिनट पे यहाँ से बस निकलती रहती है बिल्कुल। और यहाँ पे बना इसका प्रतीक्षालय, उसमें भी देखते हैं। इसमें भीड़ तो इस कदर पड़ती है कि मतलब क्या ही बताएं, बहुत कड़ी भीड़ पड़ती है इसमें, अभी भी भीड़ पड़ रही है। बस में पहले ही आने पड़ता है, मतलब पहले आओ बैग रख दो या फिर आपका जो रुमाल वगैरह वो चलता है देसी में वो रख दो, तभी आपको सीट मिल पाएगी। वैसे आप आएंगे तो आपको सीट ही नहीं मिल पाएगी। और देखिए ये है फिर इसका प्रतीक्षालय, यहाँ पे भी भीड़ पड़ी है, यहाँ पे बैठने के लिए बना है, यहाँ से टिकट बुक करवा लो, ट्रेन के जैसा बना दिया इन्होंने पूरा, ये प्रतीक्षालय है इसका। तो अभी मैं काफ़ी देर पहले आ गया था, भूख लगी थी तो मैंने खाना मतलब जो समोसे वगैरह हैं वो भी खा लिए, और अब बस में बैठ जाऊँ क्योंकि बस 1 बजे जाएगी, तो अभी सारे मतलब 12:30 हो चुके हैं और उसके बाद सीट मुश्किल है कि किसी को मिले। मैंने तो अपना बैग रख दिया है सीट पे, अब कुछ भी हो जाए कुछ भी कोई उस बैग को हटा के बता दे, यानी कि कोई नहीं हटाता पहली बात तो, कब्जा मान लीजिए एक प्रकार से। यहाँ पर ये पानी पीने के लिए भी बना दिया, ये भी अच्छी बात है। ये वाली बस है मेरी, वो पीली दिख रही वो वाली है ना, और यहाँ पे बसी बस हैं चारों तरफ, बस चारों तरफ बसी बस हैं। सो अंदर चलता हूँ, ये अभी बस के अंदर हूँ और मज़ा आ रहा है बिल्कुल। पहले तो मैं अधिकतर तो मैं ट्रेन से ही जाता था, अभी बस से ही जा रहा हूँ। जाएगी और खुला है यार, मैं अंदर ही कर लूँ मोबाइल। और ये यहाँ पे पड़ चुकी है भीड़, पूरी बस भरा चुकी है। अभी अभी टिकट कटवाना है, देखते हैं कितना लग रहा है। पहले तो मिनिमम लगता था 200, अभी देखते हैं क्या क्या लग रहा है इसका चार्ज वहाँ तक। शायद 140 किलोमीटर है यहाँ से भोपाल से मेलुआ चौराहा। तो गाइस अभी मेरा टिकट बन गया है, 180 रुपये का बना है, 180 रुपये बढ़िया है। इस बार 20 रुपये कम ही लगे हैं, और साइकिल का 100 रुपये, बात हो गई थी 80 रुपये की, लेकिन क्या पता नहीं उन्होंने 20 रुपये यानी कि 100 रुपये ले लिए साइकिल के। इसमें भीड़ पड़ रही है और गर्मी भी लग रही है, तो अब मैं कुछ ठंडा रोटी वगैरह ले लूँ है ना। एक भैया एक 10 रुपये वाला कुछ माजा वगैरह दे दें। तो अभी माजा ले लिया है, अब थोड़ी बहुत ठंडक मिलेगी इसको पी करके, गर्मी बहुत है आज तो।
200 यही बस है, और 5-10 मिनट में निकलने वाली है तो मैं भी अंदर बैठ ही जाता हूँ। तो गाइस यहाँ पे बस छूट चुकी है हमारी, अब 4 घंटे बैठना पड़ेगा बस में, रेगुलर बोर हो जाए। कोई बात नहीं, गाना सुनिए मस्त गाना। भीड़ भी बहुत पड़ गई है आज तो बस। यहाँ से हमारे गांव के लिए रास्ता जाता है ये वाला, यहाँ से 20 किलोमीटर हमारा गांव। अभी शाम हो चुकी है और मैं पहुँच गया हूँ भोरा सा विद साइकिल के साथ, चला के लाया हूँ 6 किलोमीटर, बहुत पैर दर्द करने लगे। सो आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, आई होप कि आपको मज़ा आया हो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।